आप कब से कौमी मफाद के रखवाले बन गए? ऐवान में दोबारा गिनती क्यों नहीं करवाई? सियासी इख्तलाफात पर गद्दारी के सर्टिफिकेट दिए जाते हैं, ये खेल हम इस मुल्क में बहुत देख चुके। असेंबली में गिनती सही नहीं हो सकती तो कहीं और क्या होगी? नून लीग और पीपल्स पार्टी रहनुमाओं की हुकूमत पर तनकीद, कहा असेंबली में 9 कानून इत्तेफाक राय से पास हुए। बिलावल भुट्टो और शहबाज शरीफ को बात करने की इजाजत नहीं दी गई। आप किस खौफ में हैं? पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास पर सारी दुनिया उंगलियां उठा रही है, नए पाकिस्तान वाले मुल्क को तबाह कर रहे हैं, हम एपीसी करने जा रहे हैं। खेल हम इस मुल्क में बहुत देख चुके हैं कि जहां सियासी इख्तलाफात पे गद्दारी के सर्टिफिकेट दिए जाते हैं। 9 कवानीन थे जो इत्तफाक राय के साथ पास हुए हैं, जो फैटिफ की जरूरत है हम हर तरह का तावुन कर चुके हैं, लेकिन अगर हुकूमत फैटिफ का नाम लेकर हिटलर बनना चाहेगी, फैटिफ का नाम लेकर डिक्टेटरशिप कायम करना चाहेगी, उसकी इजाजत नहीं देंगे। क्या दिल में चोर है, क्या दिल में चोर था कि वो डिवीजन नहीं हुआ, कि वो फिर से काउंटिंग नहीं हुई? इसका मतलब किस बात से डर रहे थे? चलिए, हमारे नंबर्स अगर पूरे नहीं थे सैलाब के वक्त में तो आपने काउंटिंग क्यों नहीं करवाई? फिर आपने कायदे हिजबे इख्तलाफ को माइक नहीं दिया। ये पाकिस्तान की बदतरीन तारीख में नहीं हुआ है, ये डिक्टेटर्स के टाइम में नहीं हुआ है। हमने भी बहुत असेंबलीज भुगताई हैं, ये कभी नहीं हुआ है कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन और पार्लियामानी हेड्स बिलावल भुट्टो जरदारी को नहीं, शहबाज शरीफ को नहीं। ये किस बात से डर रहे हैं?